नमस्कार दोस्तों, हार्दिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 62 के की किसकी प्रैक्टिस सेट 62 के विषय में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि केबीएस के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं, केबीएस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो आप लोग पूरी शिद्दत से केबीएस के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 62 के विषय में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है। तो क्या कह रहा है, इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है। तो मित्रों, कौन सी शैलियों को जाना जाता है, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए इंडो इस्लामिक। क्या है, इंडो इस्लामिक। तो इंडो इस्लामिक क्या है मित्रों, तो यह है रिवाइल आर्किटेक्चर को, किसको रिवाइल आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता है, इंडो इस्लामिक या इंडो गोथिक या कहिए नियो मुगल काल या हिंदू शैली भी कहा जाता है। तो इंडो सरसेनिक को क्या क्या कहा जाता है मित्रों, तो इंडो इस्लामिक भी कहा जाता है, इंडो गोथिक भी कहा जाता है, नियो मुगल भी कहा जाता है, तो हिंदू शैली भी कहा जाता है इसे। फिर बात होती है 19वीं शताब्दी, कब 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के बाद भारत में ब्रिटिश वास्तुकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली वास्तुशिल्पी क्या थी, वास्तुशिल्पी थी। इसमें क्या होता था कि ब्रिटिश राज के सार्वजनिक एवं सरकारी भवन और रियासतों के शासकों के महल हैं, जैसे मद्रास हाई कोर्ट, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, मद्रास यूनिवर्सिटी का सीनेस हाउस, जो कि ये सब आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, कि किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की रचना माँ और बच्चा है। तो माँ और बच्चा किसका है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि यामिनी रंजन राय का, किसका यामिनी रंजन राय का। तो बात आती है यामिनी रंजन राय की, तो आइए इनके विषय में थोड़ी बहुत हम जानकारी लेते हैं, महत्वपूर्ण जो इनके विषय में जानकारी है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था मित्रों, तो 11 अप्रैल 1887 को, कब 1887 को, कहाँ पर हुआ था, तो बेलिया तोड़ बांकुड़ा, कहाँ पे पड़ता है ये, यह पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। तो यामिनी रंजन राय को, यामिनी रंजन राय को लोक कला से का ये चित्रकार भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो चित्रकारिता थी वह लोक कला से ही प्रभावित थी, इसकी लोक कला से ही प्रभावित थी। बात होती है कि ये कालीघाट के पट चित्रों से प्रेरणा लेते हैं, तो कालीघाट कहाँ पे है मित्रों, तो यह कलकत्ता में। तो क्या मतलब, कलकत्ता के कालीघाट के ये पट चित्रों से प्रेरणा लेने वाले चित्रकार कौन थे, तो यामिनी राय रंजन जी थे। कौन थे, यामिनी राय रंजन जी थे। बात होती है कि जब कालीघाट की बात आती है मित्रों, तो कालीघाट में पटुआ चित्र से संबंधित था वो, क्या था, पटुआ चित्र से संबंधित कालीघाट था। यामिनी राय रंजन की पेंटिंग जो बनी है किस माध्यम में बनी है मित्रों, तो यह टेम्परा माध्यम में बनी है, और ये चटक रंगों का प्रयोग करते थे। कौन सा रंग, चटक रंगों का प्रयोग ये अपने चित्रों में किया करते थे। तो आइए इनके थोड़ा सा इनके चित्रों के विषय में हम बात करते हैं, इनकी कौन कौन सी चित्रण है। तो जैसे ईसा के जीवन पर आधारित चित्र इन्होंने किया, ईसा के जीवन पर आधारित। देखिए, अभी माँ और बच्चा या माँ और शिशु की बात हो रही है, तो यह किस माध्यम में बनाए हैं, तो अभी हमने बताया आपको यह किस में टेम्परा माध्यम में इन्होंने इसका चित्रण किया है। यह सुरक्षित कहाँ पे है मित्रों, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में है, कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। इनकी प्रमुख चित्रण कौन सी है, तो संथाल महिला, कौन सी है, संथाल महिला, द ड्रमर, सीता, रावण एंड जटायु, जीसस गोपिनी, कौन थी, जीसस गोपिनी। बात होती है, क्वेश्चन बनता है मित्रों, एम एफ हुसैन के पहले किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो
कहा जाता था। तो यह कौन से थे मित्रों? यह है यामिनी राय रंजन को, M.F. हुसैन के पहले इनको भारत का पिकासो कहा जाता था। यामिनी राय ने अपना जीवन जो कि फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रारंभ किया। किसके रूप में? तो प्रारंभ इन्होंने किस काल में किया? तो फैशनेबल कलाकार के रूप में किया। तो बात होती है इनकी रेखांकन की, इनके जो चित्र की रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो रही है सरल गत्यात्मक वर्तुलाकार। क्या रही है? सरल गत्यात्मक और वर्तुलाकार रही है। यामिनी राय रंजन की एक चित्रण है, बहुत प्रसिद्ध चित्रण है, थ्री पुजारण। कौन सा? थ्री पुजारण। तो यह कहाँ पे संग्रहित है मित्रों? तो यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। यह कागज बोर्ड पर इन्होंने टेम्परा माध्यम में बनाया है। और कौन सा है मित्रों? तो रथ पर राजा और रानी, ये भी इन टेम्परा माध्यम से ही बनाया है। बात होती है कि पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस कलाकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा है? तो यह है यामिनी रंजन राय को। कौन सी? यामिनी रंजन राय को। तो मित्रों नोट करके, कहीं आप नोट कर सकते हैं, लोक परंपरा के कौन कौन से चित्रकार थे? तो यह कौन थी? ये सुनैना देवी भी थी। कौन थी? सुनैनी देवी, यामिनी राय रंजन, बी प्रभा, K.S. कुलकर्णी, ये सब लोक कला से प्रभावित चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासन काल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्लवित हुई? तो यह किस शासन के साल में होती है मित्रों? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो यह है सही ऑप्शन इसका कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। तो बात होती है मित्रों जहांगीर की। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म कब हुआ था? इनका मूल नाम क्या था? तो मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। इनका जन्म 30 अगस्त 1569, तब 30 अगस्त 1569 को जोधा भाई के गर्भ से हुआ था, जिसका नाम मरियम उज्जमानी था। क्या था? मरियम उज्जमानी था। तो जहांगीर किसका पुत्र था? तो यह अकबर का पुत्र था, जो कि किसका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का यह पुत्र था। तो बात होती है कि जहांगीर ने विवाह किससे किया था? ये नूर जहां से किया था। किससे? नूर जहां से किया था। और नूर जहां का संबंध किस वस्त्र कला से है मित्रों? तो यह है चिकन करी से। किसके? चिकन करी से है। और नूर जहां का मूल नाम क्या था? तो मेहरू निशा था। ये चीज याद रखिएगा, मेहरू निशा था। तो चिकन करी वस्त्र कला से संबंधित कौन था? ये थी नूर जहां। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मित्रों, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? वो नूर जहां की माँ जो थी असमत बेगम ने किया था। किसने? असमत बेगम ने किया था। तो बात हो रही है जहांगीर की। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो यह सहदरा लाहौर में है। कहाँ पे है? सहदरा लाहौर में है। बात होती है कि ये तुजुकी जहांगीरी में किसका चित्रण किया गया है? तो प्रकृति, जानवर, फूलों के अनन्य प्रेम, निम्न में से चित्रण किया गया है जहांगीर में, तुजुकी जहांगीरी में किया गया है। सबसे ज़्यादा इन्हीं के समय में पशु पक्षियों का भव्य चित्रण भी होता है, और शिकार का भी चित्रण मुगल काला में जहांगीर के समय से ही शुरुआत होती है। सबसे बात होती है मित्रों, इनके समय में शिकार के अनेक चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे? तो यह किस चित्रकार ने बनाए थे? तो मनोहर ने। कौन से थे मित्रों? तो मनोहर थे। मनोहर के द्वारा एक निर्मित चित्र है शेर का शिकार करते हुए जहांगीर। क्या है मित्रों? शेर का शिकार करते हुए जहांगीर, जिसकी एक प्रति मित्रों मास्को में है और दूसरी प्रति कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। इन्हीं के काल में चित्रकला अपने पराकाष्ठा पे पहुँचती है। और सबसे अच्छा चित्रकला को अगर कोई समझता था तो वह कौन था? तो वह जहांगीर ही था। बात होती है कि जहांगीर के चित्रकला में, चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? तो हिंदू चित्रकार जो था मित्रों, उनका नाम था बिशन दास।
क्या था? बिशन दास। देखिए मित्रों, क्वेश्चन तो एक था लेकिन इसकी व्याख्या में आपको अनेक क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन, अगर मेरा उद्देश्य होता कि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को बता के आगे निकल जाना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जहां गिर करके मैं आगे निकल, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी मिल सके, इसलिए क्वेश्चन से अत्यधिक महत्वपूर्ण उसकी व्याख्या होती है। तो आप उसकी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर जो पॉइंट आपको लगे उस पॉइंट को आप नोट करते चलिए। तो बात हो रही थी बिशन दास की। तो बिशन दास ने नूर जहाँ का सबीह बनाया था। किसने? नूर जहाँ का सबीह बनाया था। फिर बात होती है कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रकार अबुल हसन ने चित्रण किया है। किसने? अबुल हसन ने चित्रण किया है, जो कि जहांगीर अपने समय का सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता है? तो अबुल हसन को मानता है। कहाँ को, किसको मानता है? तो अबुल हसन को मानता है, जो कि जहांगीर का ये सबसे प्रिय चित्रकार था। एक क्वेश्चन बनता है मित्रों कि शीश महल चश्मे नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया था? तो यह बनवाया था मित्रों अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। एक जो चित्र है इसमें अबुल हसन और मंसूर दोनों ने चित्रण किया है। जैसे किस चित्रकार का? तो यह है चित्र चिनार के वृक्ष पर गिलहरियाँ। इसमें दोनों लोगों ने चित्रण किया है। किसमें? चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ। यह सुरक्षित कहाँ है मित्रों? तो यह है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। तो अबुल हसन के प्रमुख चित्रण कौन कौन से हैं? तो संत जान की सूली, जो कि वास पद्धति पर इन्होंने बनाया है। किस पे? वास पद्धति में बनाया है और जहांगीर के काल में समय में निर्मित हुई है, संत कबीर एवं रविदास का चित्रण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर की पत्नी नूर जहां का संबंध निम्नलिखित के किस वस्त्र कला से था? तो अभी हमने बताया आपको किसमें? चिकन करी में। किसमें? चिकन करी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है। अभी हमने बताया इनका शाही नाम क्या था मित्रों? तो ये था जहांगीर। क्या नाम था इनका? जहांगीर। इनका नाम जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था। तो अब देखिए अकबर की बात आती है मित्रों, तो अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ पे स्थित था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म कब होता है मित्रों? इनका जन्म कब होता है? यह है 15 अक्टूबर। कब? 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ? 1542 में। कहाँ पे होता है? तो अमरकोट। अमरकोट कहाँ पे स्थित है? तो सिंध में राजपूत शासक राणा बिरसाल के महल में हुआ था। बात होती है मुखाकृत चित्रण, जो कि अकबर मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुआ। मुखाकृत का मतलब होता है मित्रों सभी है। सभी का मतलब होता है पोर्ट्रेट, कह दीजिए पोर्ट्रेट। तो ये कब से शुरू होता है? तो ये मुखा चित्रण अकबर के समय में प्रारंभ होता है। तो बात होती है सुलह एक कुल की नीति, सर्वात्रिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत नीति अकबर ने ही अपनाया था। किसने मित्रों? तो यह अकबर के ही निर्मम अपनाया था। बात होती है कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो यह थे जैनाचार्य हरिविजय सूरी। कौन थे? हरिविजय सूरी। अकबर के समय में तस्वीर खाने में कुल कितने चित्रकार काम करते थे? तो ये थे मित्रों 260 चित्रकार थे, जिसमें से 56% कहिए हिंदू थे। कितने? 56% हिंदू थे। कितने? 56% हिंदू थे। सर्वाधिक अकबर के काल में हिंदू चित्रकारों की संख्या थी। बात होती है कि अकबर कालीन चित्रकारों की विशेषता क्या थी मित्रों? तो यह थी दरबारी चित्र। क्या थी यह? दरबारी चित्र। बात होती है मुगल चित्रकार बसावन भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, जो कि प्रसिद्ध क्या था, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वह आपका छवि चित्रकार या व्यंग चित्रकार के रूप में वह प्रसिद्ध था। किसमें? प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार के रूप में भी वह प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरित मानस की रचना हुई है? तो यह किसके शासनकाल में हुई मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर बी अकबर के। किसके? अकबर के। तुलसीदास ने 25 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो रामचरित मानस और विनय पत्रिका का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही काल क्रम कौन सा है? तो यह सही काल क्रम कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी कल्पसूत्र, महापुराण, हमजनामा और रजवनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में दस्तान ए अमीर हमजा चित्रित हुआ? तो यह किसके शासनकाल में होता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि अकबर के शासनकाल में दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रण प्रारंभ होता है। तो दस्तान ए अमीर हमजा में टोटल कितने चित्र हैं मित्रों? तो ये हैं 1400 टोटल चित्र हैं। किसमें? सर टोटल 1400 चित्र हैं। बात होती है कि मित्रों इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो ये है 22x28। यह किस पे चित्रण किया गया है मित्रों? तो यह सूती कपड़े पर चित्रण किया गया है। किस पे? सूती कपड़े पर चित्रण किया गया है। बात हो रही है अमीर हमजा की, तो यह मित्रों इसकी 61 प्रतियां कहाँ सुरक्षित है? तो यह है म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। अकबर के समय का सबसे निपुण पक्षी चित्रकार मिस्किन था मित्रों। मिस्किन ने ही एक चित्रण बनाया है कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। बात होती है कि मुगल शासन काल में कला पर सर्वप्रथम पाश्चात्य का प्रभाव अकबर के समय में ही दिखाई देता है और इन्हीं के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत होती है। किसकी? भित्ति चित्रकारी की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो वह कौन था मित्रों? तो यह है अकबर के शासनकाल का दसवंत जो कि कहार जाति का था। किस जाति का मित्रों? तो यह कहार जाति का था। इसकी जो कि प्रतिभा कहिए या पकड़ कहिए या कार्यकुशलता कहिए, देवी देवताओं की आकृति में ही नहीं अपितु यह भयंकर राक्षसी आकृति में भी देखी जा सकती है। दसवंत क्या था कि अपने रुचि पौराणिक कथानों के चित्रण में ज़्यादा दर्शनीय प्रतीत होता है। क्या होता है कि अकबर के फतेहपुर सिकरी के स्थित दरबारी चित्रशाला का यह सेवक था। किसका? अकबर के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए एक कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? तो यह विचित्र को कौन नियुक्त करता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि शाहजहां। कौन है? ऑप्शन नंबर जो कि सी शाहजहां। तो शाहजहां का जन्म कब होता है मित्रों? तो ये होता है 5 जनवरी 1592 को। कहाँ पे? तो लाहौर में राजपूत राजकुमारी किसकी? उदय सिंह की जो पुत्री जगत गोसाई थी उन्हीं के गर्भ से इनका जन्म होता है। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम खुर्रम था। क्या था मित्रों? खुर्रम था। बात होती है कि शान शौकत के चित्र सबसे अधिक शाहजहां के शासनकाल में बनाए जाते हैं। फिर बात होती है मित्रों एक प्रविधि आती है स्याह कलम की, जिसमें क्या होता है मित्रों कि काली स्याही से निर्मित चित्र की जाती है। इसमें चित्र से काली स्याही से चित्र को निर्मित किया जाता है। यह शाहजहां के शासनकाल में आती है। इसके शाहजहां के शासनकाल में आती है। और बात होती है कि चित्रकला में लघु चित्रों में अधिक चित्रण किसका किया गया है शाहजहां के शासनकाल में मित्रों? तो यह है रंग महल का। और चौड़ी हाशिए भी शाहजहां के ही शासनकाल में बनने लगे थे। किसके? शाहजहां के शासनकाल में बनने लगे थे। फिर बात होती है होनहार हो गए मित्रों गोवर्धन भी इन्हीं के शासनकाल के चित्रकार हैं। कौन है? इन्हीं के शासनकाल का। और पाद शाहनामा का चित्रण मित्रों इन्हीं के शासनकाल में होती है, रचना होती है। पाद शाह
नामा की रचना इन्हीं के शासनकाल में 1656 से 57 ईस्वी में होती है। इसके रचयिता कौन थे मित्रों? तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे, अब्दुल हमीद लाहौरी। बात होती है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। और इनके समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे मित्रों? तो थे मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन और बालचंद्र। शाहजहां के काल में मित्रों कबीर एवं रैदास का चित्रण किया गया है। किसका? कबीर एवं रैदास का चित्रण किया गया है। और कबीर एवं रैदास का चित्रण किसके समय में किया गया है मित्रों? तो ये किया गया है आपका शाहजहां के काल में। किसके? शाहजहां के काल में किया गया है। और जहांगीर के समय में किसका किया गया था मित्रों? तो संत कबीर एवं रविदास की। किसकी? संत कबीर एवं रविदास की। तो बात होती है कि मित्रों कि मुरक्का 40 चित्रों का एक मुरक्का या चित्राधार एल्बम जो कि सुरक्षित है, यह किसका है मित्रों? तो यह दारा सिकोह का है। किसका? दारा सिकोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद फकरुल्लाह खान किसके राज दरबार के मुख्य कलाकार थे? किसके दरबार थे तो मित्रों? तो अभी हमने बताया आपके शाहजहां। किसके? शाहजहां काल के ये मुख्य कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल चित्रकारी में इनमें से किस आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किस आधार में किया जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, तार का पत्ता। क्या है? तार का पत्ता। क्या होता है मित्रों कि पाल शैली में चित्रकारी का आधार के रूप में या धरातल के रूप में कहिए, तार के पत्र या पत्ते या राजपतल का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव दिखाई देता है? तो कौन सा चित्रण है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, पाल चित्रण। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि सी, पाल चित्रण, पाल शैली अजंता पे। तो पाल शैली को या पूर्वी शैली भी कहा जाता है मित्रों। तो ये 750 ईस्वी से 1197 ईस्वी तक पाल शैली का शासनकाल होता है। तो पाल शैली में एक चित्रण मिलता है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का, जिसमें प्रज्ञा पारमिता से लिया गया है। बात होती है भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से प्रारंभ होती है मित्रों? तो यह पूर्व मध्यकाल प्राकृत से। किसकी? पूर्व मध्यकाल प्राकृति से। ताल पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ या पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ या पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ कौन सा था मित्रों? तो यह था प्रज्ञा पारमिता। क्या था? प्रज्ञा पारमिता। बात होती है कि महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता 100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के रचनाकार कौन थे? तो यह नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन थे। पाल पोथी चित्रों का समय क्या है मित्रों? तो 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी तक पोथी चित्रण का प्रारंभ ही पाल शैली में हुआ। अब पाल शैली को पूर्वी शैली लामा तारानाथ ने कहा। किसने कहा मित्रों? तो लामा तारानाथ ने कहा। कौन कहा मित्रों? तो लामा तारानाथ ने। लघु चित्रकला भारत के पूर्वी क्षेत्रों में विकसित हुई। क्या? पूर्वी चित्रों में विकसित हुई। और पाल शैली के तीन प्रमुख केंद्र थे, कौन कौन से थे मित्रों? तो बंगाल, नेपाल और बिहार। कौन से थे? बंगाल, बिहार और नेपाल। प्रमुख चित्रकार कौन से थे? तो धीमान और बितपाल। कौन थे? धीमान और बितपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गुफा अजंता के समान है? तो कौन सी गुफा अजंता के समान है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि सिगरिया। क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी जो कि सिगरिया है। सिगरिया, ऑप्शन नंबर डी जो कि सिगरिया। सिगरिया कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो यह श्रीलंका में है। कहाँ पे है? श्रीलंका में स्थित है। उस समय कश्यप प्रथम का वहाँ पे शासन था।
सिगरिया गुफा जो कि कब निर्मित हुई थी मित्रों, तो यह 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। सिंघल की चित्र कला का इतिहास ईसा पूर्व 2री सदी से बौद्ध ग्रंथ विशुद्ध मग में मिलता है। इसलिए सिगरिया का गुफा जो कि अजंता की गुफा के समान है, जो अजंता की गुफा 9वीं व 10वीं, कौन सी 9वीं व 10वीं की चित्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अनंतर ही आते हैं। बात होती है कि सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफा है, तो टोटल 6 गुफा हैं। कितनी 6 गुफा हैं। इस गुफा में किस चित्र का रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, याद रखिएगा नीले रंग का प्रयोग नहीं किया है। इस सिगरिया के चित्र बने किस पे हैं, तो गीली दीवार पर बने हैं मित्रों। और इसकी खोज की बात की जाए, तो इसकी खोज किसने कब की थी, तो एक ब्रिटिश फौज के अधिकारी थे मेजर फोमर्स, जो कि 1830 में इसकी खोज हुई थी। बात होती है कि सिगरिया चित्रों की प्रतिलिपि सर्वप्रथम कब और किसने बनाई, वो 1889 में ई मूरे ने। तो कुल कितनी गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं मित्रों, तो 2 गुफाओं में पाए जाते हैं, गुफा ए व गुफा बी। और बात होती है सिगरिया की गुफा में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रण है मित्रों, रूपायणी स्त्रियों के कितने चित्र हमको मिलते हैं, तो 21 चित्र मिलते हैं। टोटल 21 चित्र मिलते हैं। 21 चित्र में हमको गुफा संख्या ए से 4 चित्रण मिलता है और गुफा संख्या बी से हमको 17 चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार ने जीसस क्राइस्ट के जीवन पर आधारित चित्र बनाए थे, तो यह कौन सा चित्रकार था मित्रों, अभी हमने बताया यामिनी रंजन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा की चित्रावली में किस चित्रकार हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं, तो यह कौन सा करते हैं मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए छदंत जातक। तो यह छदंत जातक किस गुफा संख्या में है, तो यह गुफा संख्या 10 में है। किसमें मित्रों, तो गुफा संख्या 10 में छदंत जातक का हमको वर्णन मिलता है। और बात होती है कि भिक्षुक बुद्ध राहुल समर्पण, माता पुत्र यशोधरा और राहुल, और हंस जातक, ये सब हमको किसमें मिलते हैं मित्रों, तो ये गुफा संख्या 17 में मिलते हैं। गुफा संख्या को ही अजंता गुफा का चित्रशाला कहा जाता है। एक और है महाहंस जातक मित्रों, यह गुफा संख्या हमको 17वीं में ही मिलती है। इसमें गुफा संख्या 17वीं में ही मिलती है। बात होती है कि अजंता की गुफा में टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो टोटल 30 गुफाएं हैं। बिहार को क्या कहा जाता है मित्रों, तो अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं मिलती हैं, एक बिहार दूसरा चैत। तो बिहार को क्या कहा जाता है मित्रों, बौद्ध बिच्छुओं का आवास गृह, और चैत्य को क्या कहा जाता है, बौद्ध बिच्छुओं का उपासना स्थल। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं, तो टोटल 547। कितनी 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। अगर बात की जाए जातक कथाएं हैं क्या मित्रों, तो यह बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, और इसकी भाषा क्या है, पाली है। ये पदम पाणी जो कि गुफा संख्या 1 में हमको मिलता है। किसमें, गुफा संख्या 1 में हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी, यह है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट गिल ने। कौन मित्रों, और रॉबर्ट गिल ने सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया मित्रों, तो 1847 से लेकर 1857 तक इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां ये बनाते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर जब 1857 का विद्रोह होता है, तो उसी में ये छोड़ के चले जाते हैं, और लगभग 25 या 30 के लगभग समथिंग ये चित्रण करते हैं, और जो कि ब्रिटिश सरकार को ये भेज देते हैं, जो कि लंदन में दुर्भाग्यवश वहाँ पे ये चित्रण रखा गया था, और 1866 में
क्रिस्टल के पैलेस में अग्नि में दुर्घटना के कारण उसकी जो कि जल जाती है, जलाए जल जाती है दुर्भाग्य के कारण कुछ चित्रण के प्रतिलिपियां भी बची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र तीन कन्याएं किस कलाकार की रचना है? तो यह तीन कन्याएं किस कलाकार की रचना है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अमृता सिर गिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के पूर्व चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यह कौन सा विकल्प सही है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि टोटल 6 गुफाओं के चित्रण के विषय मिलते हैं। तो वह कौन कौन से मित्रों हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16 और 17, ये 6 गुफाएं हैं जिसमें चित्र मौजूद है। वर्तमान समय में भी यहाँ पे चित्रण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? तो अभी हमने बताया यह बुद्ध के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में खनिज रंग नहीं है। तो निम्न में खनिज रंग नहीं है मित्रों, तो यह कौन सा नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, हल्दी। बाकी तीनों खनिज रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रों में नीला रंग लेपिस लाजुली का आयात किया जाता था। तो लेपिस लाजुली का आयात कहाँ से किया जाता था मित्रों? तो यह हमको कहाँ से किया जाता था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, फारस से। कहाँ से? फारस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा मंदिर में इन गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद हैं। तो 6 गुफाएं हैं। तो अभी हमने बताया आपको 1, 2, 9, 10, 16, 17, मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चैत्य गुफा का उद्देश्य क्या है? अजंता की चैत्य गुफा का उद्देश्य क्या है मित्रों? तो चैत्य भी हमने बताया क्या है, यह पूजा उपासना स्थल है, आवास को विहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी में ध्यान मुद्रा बुद्ध किससे संबंधित है? तो यह ध्यान मुद्रा बुद्धा किससे संबंधित है मित्रों? तो यह किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुप्त से। किससे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुप्त से। गुप्तकालीन बुद्ध मूर्तियों में सारनाथ की, बैठे हुए बुद्ध की मूर्तियां। मथुरा में क्या होता है मित्रों? मथुरा में हमको खड़े बुद्ध की मूर्ति, सुल्तानगंज बुद्ध मूर्ति उल्लेख है। इन बौद्ध मूर्तियों की शांत चिंतन मुद्रा को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो यह हमको कहाँ से लिया गया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सारनाथ अशोक स्तंभ सिंह शीर्ष पर। तो सारनाथ में मित्रों जो स्तंभ के ऊपर पशु आकृति की शीर्षक कितनी है? 4 हैं। 4 पशु की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, अश्व कौन सा है? अश्व मीन्स घोड़ा, फिर सिंह, वृषभ और गज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप जरूर याद रखिए, अश्व सिंह वृषभ और गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर पर बनाई गई है? तो यह किस पत्थर पर बनाई गई मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, चुनार बलुआ पत्थर पर। किस पे? चुनार बलुआ पत्थर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र तीन कन्याओं में किन यूरोपीय कलाकार का प्रभाव दिखाई देता है? तो किन यूरोपीय कलाकार का प्रभाव दिखाई देता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों, सेजान और गोगिन का, दोनों लोगों का इनके यूरोपीय कलाकारों पर प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसन प्रस्थ प्रतिमा किस काल की है? तो यह किस काल की है मित्रों? तो अभी ये कुषाण काल, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कुषाण काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट मूर्ति माउंट से प्राप्त स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सरकार संग्रहालय मथुरा। कहाँ पे है? सरकार संग्रहालय मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण सम्राट कनिष्क की अवाच्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? तो यह किस संग्रहालय में रखी गई है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, पुरातत्व संग्रहालय। कहाँ पे है? पुरातत्व संग्रहालय, जो कि मथुरा में।
तो बात होती है कि भारत सरकार ने संग्रहालय की शताब्दी में 9 अक्टूबर 1974 को एक डाक टिकट जारी भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर से बनी है, तो वृषभ मोहर से बनी है, तो इसका निर्माण किससे हुआ है वृषभ मोहन, तो यह है ऑप्शन नंबर ए सिल खड़ी से। इसकी सिल खड़ी से बात होती है मित्रों कि हड़प्पा से जो हमको मोहर प्राप्त होते हैं उसमें सर्वाधिक श्रृंगी वृषभ का अंकन मिलता है। इसका श्रृंगी वृषभ का हड़प्पा से प्राप्त मोहर पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का भी चित्रण हमको मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है 3 मिट्टी की मोहर प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है एक मोहर पर पशुपति पति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। कुछ मोहरों पर कुक्कुट युक्त बैल वृषभ और हिरण का भी संयुक्त रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरों की आकृति दर्शाई जाती है, तो यह किससे दर्शाई गई है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर ए पशुओं से घिरे शिव योगी। क्या है? पशुओं से घिरे शिव योगी, जो कि ये 4 पशु हैं, कौन सा है? चीता हाथी गैंडा और भैंसा को अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्व प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो सर्व प्राचीन उदाहरण कौन सा है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर सी नर्तकी सिंधु सभ्यता। क्या है? नर्तकी सिंधु सभ्यता। ये प्राप्त कहाँ से होती है मित्रों, तो मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, इसके निर्माण समय की बात की जाए मित्रों तो 2500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व। आकार की बात की जाएगी मित्रों तो आकार क्या है, ये है 10.5 × 5.0 × 2 सेमी इसका आकार है। यह संग्रहालय कहाँ पे संग्रहित है मित्रों, तो यह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। माध्यम किसका है, तो यह कांस्य माध्यम में अगर विधि पूछी जाए तो डोकरा विधि। तो मतलब नर्तकी से संभवित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसके सभी आपको उत्तर बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है, पुरुष धड़ किससे बना है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर बी किसमें, और लाल चूने पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की नर्तकी अभी हमने बताया मित्रों ये ढोकरा कास्टिंग से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ हमको किससे बना है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर बी लाल चूना पत्थर का। किसका? लाल चूना पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो यह किस काल से संबंधित है मित्रों, तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस समय का इतिहास है मित्रों जो ऐतिहासिक काल के पहले का है, जब लिपि व अक्षर उस समय के लोगों को ज्ञात थे लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते थे, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोथल और धौलावीर स्थित हैं, तो लोथल कहाँ पर स्थित है मित्रों, तो ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। और धौलावीर कहाँ पे है मित्रों? धौलावीर भी गुजरात में है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि भारत में। देखिए लोथल और धौलावीरा जो कि कहाँ पर स्थित है मित्रों, ये भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है, और सिंधु सभ्यता का जो कि लोथल कहाँ पर स्थित है, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है मित्रों, गुजरात के अहमदाबाद काठियावाड़ जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता में भारत के कौन कौन से स्थल है मित्रों, तो हैं रंगपुर, रोपण, कालीबंगन, आलमगीरपुर और सुरकोतडा, बनावली, राखीगढ़ी, दैमाबाद और देसलपुर। और पाकिस्तान में स्थित कौन कौन से मित्रों, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर और चन्हुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मुहरों में 3 सिंगों वाले योगी तथा 4 पशु आकृतियों के घिरे चित्र की पहचान डॉट डॉट के रूप में की जाती है,
तो इस चित्र की पहचान किस रूप में की जाती है मित्रों? तो यह पशुपति नाथ, किसके? पशुपति नाथ। आज का अंतिम प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, बर्तन के रूप में। बर्तन के रूप में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे और दोस्तों को आपको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो कल हम मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि कल हमारा टोटल 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट होगा। धन्यवाद।